हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में हम लोग अपने स्पाई रोबो की कैमरा माउंट को बनाने वाले हैं। सो पास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं ESP32 कैम बोर्ड का यूज़ करके ये स्पाई रोबो बिल्ड करूँगा। सो इस ESP32 कैम बोर्ड के लिए हमें यहाँ पर कैमरा माउंट बनाना होगा। बेसिकली इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का माउंट बनाने वाला हूँ, जो हमारे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये माउंट कर जाए और मैं इसे रोटेट भी कर पाऊँ। सो इस व्लॉग में हम इसकी बिल्ड प्रोसेस को देखेंगे। सो चलिए इसकी कैमरा माउंट को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर कैमरा माउंट बन के रेडी हो चुका है। सो अब हम इसमें अपनी ESP32 कैम बोर्ड को फिट करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैमरा माउंट है वो परफेक्ट फिट आया है। सो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है। मैं फर्दर आगे जाकर इसकी डिज़ाइन को और मॉडिफाई करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर इसी डिज़ाइन को यूज़ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर अगर हमारा कैमरा माउंट कुछ इस तरीके से फिट आए, सो बेसिकली मैं यहाँ पर दोनों साइड एक बॉल ज्वाइंट का यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं उसे डिज़ाइन करके यहाँ पर लगा दूंगा, तो हमारा कैमरा माउंट जो है ये ऊपर नीचे टिल्ड हो सकता है। सो ये मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो चलिए इस बॉल ज्वाइंट को हम लोग डिजाइन करते हैं अपने इस कैमरा माउंट के लिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारा यहां पर बॉल ज्वाइंट बन के रेडी हो चुका है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस बहुत कम था, तो मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा छोटे साइज में बनाया है। बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सो बॉल ज्वाइंट आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, एक साइड हमारा बॉल है और दूसरे साइड हमारा कवर है। सो ये बॉल साइड जो है हमारा स्पाई रोबो के पिलर्स में लग जाएगी और वो स्टिक रहेगी, और हमारा जो रोटेटिंग पार्ट रहेगा वो हमारा इसकी कवर रहेगी, जो कि हमारे कैमरा माउंट में लगेगी और इसे ऊपर से हमें फिट करना होता है। सो मैं इसे कम्प्लीटली फिट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट कर दिया है। सो बेसिकली मैंने इसे यहाँ पर फैब्रिक्विक से मैंने स्टिक कर दिया है। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हम अब अपने कैमरा मॉड्यूल को जो है ऊपर नीचे टिल्ड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। वैसे तो यहाँ पर जो जम्फर कनेक्शन दिए हुए हैं इस कैमरा मॉड्यूल में, हमें उसे तो रिमूव करना ही होगा। सो वो फर्दर व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा। सो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग कुछ ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ चुके हैं और ये व्लॉग भी लेट अपलोड होने की वजह यही थी। सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।